हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G64 फ़ोन है, तो मोटो G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन सॉरी फिर प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप कैसे देख सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप कैसे देख पाएंगे एंड आप कैसे शो कर सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप कैसे देख सकते हैं एंड आप कैसे शो कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जाकर फ़ोटोज़ वगैरह को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। देख सकते हैं किस प्रकार से फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। बस आपको यहाँ से सेव फोल्डर पे जाना है, सिंपली पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालते ही आप प्राइवेट गैलरी पे आ जाएंगे, जहाँ से प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह आपके फ़ोन में शो हो रही हैं और आप देख पाएंगे, शो कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किसी भी प्राइवेट फ़ोटोज़ को थ्री डॉट पे क्लिक करके मूव आउट भी कर सकते हैं, और मूव आउट करते ही जो भी फ़ोटोज़ है आपके स्क्रीन पे शो करेंगी और स्क्रीन पे चली जाएंगी। और किसी भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और प्राइवेट फ़ोटोज़ आपके फ़ोन से डिलीट भी हो जाती हैं और हट जाती हैं। और आप जो भी फ़ोटोज़ को देखना चाहते हैं जो आपने मूव आउट करी है, और यहाँ से देख पाएंगे एंड आप शो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह शो हो रही हैं, और आप इस तरीके से यहाँ पर मूव आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप देख सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर मोटो G64 फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो